सावधूतम परिजन सहित कृष्णा चैतन्य देवम रे राधा कृष्ण पादान सगंधिता श्री विशाखान्विता ओम ज्ञान विरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये भक्ति स्वरूपा सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने शास्त्रयुक्ति तत्रस्तत्र विपत्ति पतिनाशने श्री सारस्वत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशने नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण के नाम ने श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरण्यम पुरुष महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमः नामयाम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमान भक्ति प्रज्ञान केशव अतिमत चरित्राय सचित्तानंद पालिने जीव दुखे सदा त्राय श्री नाम प्रेमदाय नामयं विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने त्रिवार्षभानव देवी दैताय कृपाद्वये कृष्णा समन्थ विज्ञान दायिने प्रभव नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्री रूपानुज भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुज विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमः गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भजसाम्बुधे पादम्बजाय ते नमः नमो भक्तिमूलाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुभवराय ते गौरादिभावविस्तन् निर्देशास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति व्रजदेवी सत्यवती नमो नमः जयतामसुरतरुपङ्गुर्मन्दमतिर्यति मत्सर्वस्वपादाम्भजौ श्रीराधा मदनुनवनु दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधौ श्रीवरदनगासिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीगोविंद श्रीमानसारंभिगोपी गोपीनाथ श्रीना वृंदाए तुलसी प्रियाय कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवती नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि गौरवार्थवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 दावनाला समान संसार दमन
Thank you.
Oh,
Thank you.
Yeah.
तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वसति गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम सर्वप्रथम भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथिलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा विधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे सकृत मन कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद्गुणारागी जहि रिह नते जमं पास भूतश्च तद्भटान स्वप्नपि पश्यन्ति हि चिरा निष्कृता। हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान का नाम में कितना शक्ति है। अगर एक बार भी अगर कोई मन भगवान की चरण में लगा दे तो वो कभी भी जम महाराज को दर्शन नहीं करते हैं। इसी विषय के ऊपर में हम लोगों ने बहुत बात सुना था एवं हम लोगों ने ये सुना था अगर जो शुद्ध भक्ति करने वाले हैं अगर दैवात उनका कभी पाप हो भी जाता है हैं लेकिन उदाहरण देते हैं जैसे एक सांप का 20 दांत जैसे उखाड़ देने पर उसके अंदर में जहरीलापन नहीं रह जाता भले ही वो कुछ काटे लेकिन कुछ नहीं होता है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं हैं अगर उनका अंदर में अगर कुछ विक्रिया दिखाई पड़े तो कहते अपिचेत शुद्राचारो भजन्ते माम अनन्य भाव। जो अनन्य रूप में भगवान की भजन करते हैं कहते वो दुराचारी होने पर भी भगवान कहते साधु रे व समन्तव्य उसको साधु ही माननी चाहिए। इसलिए कहते इसी विषय पर विष्णुदूत और जम ऋतु का संवाद एक इतिहास है। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित वो इतिहास को तुम श्रवण करो। बोले बोलो क्या इतिहास है। बोले के कान्य कुब्जे दिजो कुची दासीपति रजा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। बोले एक समय बोले कान्य कुब्जो देश में कहते श्री दासीपति अजा मिल जी दासी के पति जो अजामिल है कहते नामना नष्ट सदाचारो कहते उसका जितने सदाचार था एक दासी की संसर्ग से उसका सारे सदाचार नष्ट हो गया था हैं नष्ट हो गया था। बोले एक समय वो असत संघ के द्वारा अजामिल ने कभी पासा खेलता था हैं दूसरों को वंचना करना चोरी करना दूसरों को उत्पीड़न करना और अपना जीविका निर्वाह करने के लिए जितने सारे चोरी डाकू सारे ही गंदा काम उसने किया है। कद ऐसे ही उसको 88 वर्ष मतलब 88 वर्ष ऐसे उसको बीत गया। उससे कितना बच्चे हुए मतलब उसका 10 बेटे हुए लेकिन उसने अपना बेटा का नाम उसने नारायण नाम रख दिया था नारायण नाम रख दिया था। कहते इसी विषय पर भी कुछ कुछ कथाकार इधर उधर से कुछ चीज़ को जोड़ देते हैं। कहते ये बड़ा तो गुंडा डाकू था एक समय इनकी गांव में कुछ संतों का टोली आया है। संत लोग बोले यहाँ पर कोई संत सेवी क्या है गांव में हर तरह का लोग होते हैं। बोले हाँ एक बहुत बड़ा संत सेवी है। बोले कौन बोला अजाम है उनको बहका दिए। बोले जाओ अजाम का घर में जाओ बहुत बड़े लोग गाँव के लोग को पता ही बड़ा दुष्ट बदमाश ही है इसलिए बेगा करके उन्होंने वहाँ पर भेज दिया तो
बस साधु लोग गए अपना चिंता गार करके, बोला अजामिली साधु संत से भी है वो, लेकिन गया था डाकू डालने के लिए। इतने में उसका घर में थी पत्नी, लेकिन पत्नी है थोड़ी सी भक्तिमती थी दासी। इतने में बोले अब लोग किसने भेगा दिया है, बोले नहीं हम तो यहीं पर आज भोजन करेंगे अंजामिली भक्तों के घर में। तब उनकी पत्नी ने देखा जब गंगा स्वयं बहते हुए घर को सामने आई, उसमें गोता क्यों नहीं लगा ले, ये तो गुंडा बदमाशी चोरी करके पैसा कमाता है, अगर कुछ अगर धन वैष्णव का सेवा में लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने बाद संत लोग तो वहीं पर चिमटा गाड़ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय आगे अजामिल। वो चोरी गुंडा डाकू डालते हुए आ गए, बोले सब संत कहाँ से आ गए। पत्नी को बोली किसने स्नान दिया यहाँ पर, चुप रहो ज्यादा बोलो मत, स्नान फान करके आओ, हमने रसोई बनाया संतों को हैं सेवा करो। जब गंगा बहते हुए आ गई गोता क्यों नहीं लगाते हो, ऐसे गुंडा गिरते चोरी करके तो पैसा कमाते हो, अरे कुछ ना कुछ संतों की सेवा में लगे हैं। तो उन्होंने पत्नी की घर में तो पत्नी की बात चलती, पुरुषों की बात तो चलती नहीं घर में, उसने पत्नी इसको चुप करवा दिया उसको घर में। जब किसी तरह से साधु सेवा किए तो जाओ संतों को दक्षिणा देने, बोले दक्षिणा मैं कहाँ से छीनने वाला हूँ दक्षिणा देने के लिए, लो तुमको एक रुपया कर दक्षिणा दो। अभी पत्नी की बात सुनकर एक रुपया दक्षिणा दी, अभी उनको पता चला कि तुम बदमाशी, लोगों ने हमें तो यहाँ बहका दिया। अभी संत तो जिनकी नमक खाते हैं उनका तो उसे कल्याण करेंगे, बोले तुम बड़ा दुष्ट बदमाशी, उसको अगर डायरेक्ट बोले भगवान का नाम लेने के लिए तो लेगा ही नहीं। बोले एक काम करते हैं, अभी उसकी पत्नी गर्भवती है, गर्भ में एक बेटा है, हम जाते समय बोलेंगे एक ही काम करना, जो तुम्हारी बेटा जन्म होगा ना उसका नाम नारायण रख ले, इतना हम करके जाए, बेटे को तो नारायण नारायण बोलना पड़ेगा, इससे इनकी कल्याण हो जाएगी। लेकिन ये जो कथा है, लेकिन भागवत में कथा नहीं, कथा भागवत में नहीं, लेकिन कथाकार उसको थोड़ा रोचक देने के लिए ये कथा को सुना देते हैं, रोचक देने के लिए हैं। यहाँ पर अभी क्या तो उसको 10 बेटे हुए, लेकिन उसने छोटा बेटा का नाम उसने नारायण राव राव रख लिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, इसलिए उसने क्या करता है, अभी उसकी जो बच्चे देखना मामा मामा पापा पापा दादी दादी, उस बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती ना, अस्फुट शब्द है हैं, तोतली तोतली बोली बोलती हैं मीठी मीठी। अभी बच्चे को प्रति इतने आसक्त, और सबसे छोटा प्यारा था बच्चा था, इतने आसक्त हो गया उसको प्रति, आकृष्ट हो गई, आकृष्ट हो करके अभी दिन रात वो बच्चे को लेकर के दिन भर हाँ भरण पोषण करता था, उसको भोजन कराया करता था, उसको प्रति एकदम आकृष्ट हो गया था। लेकिन ऐसे करते 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 उसको मृत्यु उसको निकट आ गई। अभी निकट आते ही तब यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, श्रीधर स्वामी टीका में ये कह रहे हैं, उसने जिस बेटा का नाम नारायण है, जब नारायण हर बात बात बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण पानी ले आ, नारायण कहाँ तू, तब श्रीधर स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं उसने जो ये सब नाम उच्चारण करते हुए उनको उसको साथ में जो व्यवहार किया है इसमें सिद्धांत क्या हुआ, बोले सिद्धांत है एक तरह से उसको भगवान का भजन ही हुआ। भगवान का नाम तो नारायण है ना, बारंबार किसी तरह से प्रभु का नाम तो ले रहा है, इसलिए कहते एक तरह का उसको ये साधन भक्ति इसकी हो गई थी हैं, ये सिद्धांत ये है। इसलिए महात्मे सिद्धांत जोगी दृष्ट अजामिल, इतने में जिस समय उसकी मृत्यु का समय आई, हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से तीन को द्वारा काम करते हैं, इसलिए जब उसका मृत्यु का समय आया ना, उसको तीन जमदूत उसको लेने के लिए आ गए हैं। कैसे वो देखने में कैसे हैं, कद हाथ में उनकी जमदंड पास हाथ में हैं, उसको अस्त्र शस्त्र लेकर की और टेढ़े मुंह उसकी
और उसका जो केस है ना एकदम खड़े हुए हैं, खड़े हुए उसकी रो में बड़े भयंकर देखने में हैं। इतने में उनको देख करके, इतने में आत्मा के लिए ऐसे ऐसे देख, अभी उन्होंने आत्मा को शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे। कहते मरते समय कितना कष्ट होता है, अब आपको तो अभी बिच्छू काटा नहीं होगा, एक बिच्छू अगर किसी को काट देना उसमें इतने जहरीला पड़े हैं, छप्पट 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 करने लग जाओगे एक बिच्छू काट दे। कहते अगर एक व्यक्ति को 10,000 बिच्छू किसी अगर काटे एक साथ में, उसमें जो कष्ट है ना वो मरते समय को कष्ट है। इसलिए हम कोई मरना नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं मरना चाहते, क्योंकि मरते समय जो आत्मा को निकालते हैं वो इतना कष्ट उसको होता है। ये हमारी जन्म जन्मांतर की अनुभूति हमारे अंदर में बैठा हुआ है, ये अनुभूति बैठा हुआ मरने पर इतना कष्ट होगा। इसलिए मरने का नाम सुनते नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, छटपटाते ना, हम मरना नहीं चाहते, कारण यही है। फिर इतना नहीं, फिर मरने के बाद फिर जमदूत ले जाएंगे, हैं घिसड़ते घिसड़ निरानवी रेत गर्म रेती गोबर ले जाएंगे, कुकड़े कुत्ते उसकी मांस को नोच नोच कर खाएंगे, फिर उसको 13 दिन लगेगा बैतरणी टाटी पेशाब खून पी का एक नदी पार होने के लिए कोड़े मार मार कर पार कराएंगे। इसलिए वो नाम सुनते ही, मरने का नाम सुनते ही डरते हैं। जिस समय उसको काल भास को लगा करके उसको आत्मा को निकालने के लिए चाह रहे थे, बोले दूरे क्रीड़न का सत्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लाबीते न स्वर्णोच्चे राजुहा बाकुलेन्द्रिय। लेकिन जिस समय उसको निकालना चाह रहे थे, इतने में क्या देखा, दूर में उसको बेटा नारायण खेल रहा था, है दूर को देखा, देख करके वो क्रीड़ा में आसक्त था। इतने में उसने बुलाया, बेटा नारायण, उच्च स्वर में है और प्लुत्व स्वर। प्लुत्व स्वर मतलब क्या, स्वर तीन तरह का होता है, हर्स्व दीर्घ प्लुत। प्लुत स्वर है जैसे है, प्लुत स्वर जैसे मुर्गी को 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 ऐसे बोलता है ना, उसको कहते प्लुत स्वर है। हाँ, इसलिए उन्हें उच्च स्वर में और व्याकुल होकर उसने अपना बेटे को बुलाया। जब बेटे को बुलाया इतने में ना नारायण, ये कितना अक्षर हो गया, 4 अक्षर, ए नारायण नाम लेते ही इतने में 4 विष्णु दूत बोले माँ भयो माँ भयो, डरने का कोई बात नहीं, हम हैं तुमको रक्षा करने के लिए। इतने में झट वहां पर एक तरफ में 3 जमदूत और दूसरे तरफ में 4 विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हुए। कहते वो उपस्थित क्यों हुए, कारण क्या, बोले कारण है जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया है उनको ऐसे लगा जैसे माना हमारे प्रभु का कोई कीर्तन, हमारे प्रभु का नाम कोई लेता है, हाँ प्रभु का कोई कीर्तन करते हैं, उनको रक्षा करने के लिए झट वो पहुंच जाते। इसलिए कहाँ नहीं, वो लोग सब जगह में वो लोग विचरण करते रहते, कोई भगवान की भक्ति करने वाले को हर्ष में ये रक्षा करने के लिए। इसलिए उनको लगा जैसे क्या है, कहते नाम कीर्तन श्रवण करे हरि कीर्तन, सोचा से तो हरि का कोई कीर्तन कर रहे हैं, अब भी लंब में जल्दी से जल्दी विष्णु पार्षदगण वहां पर आ गए। जब विष्णु पार्षद लोग आ गए, जिस समय अपना उसका हृदय से आत्मा को आकर्षण कर रहे थे, विष्णु तत्वगण बलपूर्वक भले विष्णु भले सावधान, अगर तुम लोग को बचना चाहते हो, कौन कह रहे विष्णु दूत, अगर तुम बचना चाहते हो, कहते ये अजामिल कौन है, कहते ये वैष्णव अजामिल, खबरदार इसको ले नहीं सकते। कहते उनको वैष्णव बोल दिया, ये कौन है, ये वैष्णव है जो भगवान विष्णु को उपासना करने वाले, खबरदार इनको छू नहीं सकते हो। इतना जो बोले, इतने में क्या हुआ, जब उन्होंने उसको द्वारा बंद कर दिया गया, अभी तक उन लोग को कभी भी, अभी जहाँ जहाँ उन लोगों ने आए और जिनको लेकर जाते थे, कभी जिंदगी में उनको कोई रोकने वाले कभी नहीं देखा। जीवन में पहली बार देखा जब अजामिल को लेने के लिए जा रहे थे कोई रोकने वाले वहाँ पर आए हैं। इतने में जमदूत कह रहे हैं, बोले तुम लोग कौन हो, है कौन तुम लोग, ये जम महाराज का आदेश है, धर्मराज का आदेश से हम लोग उसको लेने के लिए आए हैं, हम लोग धर्मराजा के अनुचर हैं,
हाँ अनुचर है धर्मराजा का, इसलिए तुम लोग निषेध करने वाले कौन रहते हो। लेकिन वो देखने के लिए वो इतने सुंदर थे, कहते कैसे, बोले सर्वे पद्म पला साख्या पीता कौसे अभास किरीटी न कुंडली न लसत पुष्कर मालिन। उनको रूप को वर्णना कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, इसलिए कहते सर्वे, इसलिए कहते सर्वे पद्म पला साख्या। देखने में कैसे वो चार बचारे जैसे कमल का पकड़ देखे ना, एक बड़े मोटी उनको जो आँख है ना, ये सबका आँख एकदम कमल पकड़ी जैसे उसको जैसे था है। सबके सब जो वस्त्र पहने हुए थे पीताम्बर सबके सब पहने हुए थे, बड़े सुंदर कीट लगाए हुए थे, बोले मुकुट है, बड़े सुंदर कुंडल है, हैं गले में सुंदर कमल का माला गले में था है। इतने में इनको रूप देख करके जमदूत कभी तो ऐसे रूप कभी देखे ही नहीं, वो तो बड़े सुंदर भगवान की, भगवान देखने में जैसे उनका भक्त भी देखने में वैसे शत्रु देखने में अपूर्व सुंदर। इतने में वो कह रहे भैया तुम कोई देवता श्रेष्ठ ना, तुम लोग आकृति में तो बड़े सुंदर लगने में देख रहे हो, आकृति में तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, लेकिन हैं कहते नायन पद्म पला सुलोचन जैसे प्राप्त तेजोसी, और वो प्रकट होते ही वहाँ पर जितना अंधकार था ना सारे अंधकार वहाँ दूर हो गया है, लेकिन देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन तुम्हारी जो कर्म है ना, कर्म लगता है जैसे अशिष्टाचार जैसे है, कर्म तो बड़े शिष्टाचार अशिष्टाचार जैसे तुम्हारी कर्म है, बोले ऐसे क्यों। इतने में विष्णु दूत ने बोले हाँ, उनका जो गला की आवाज कैसे, गला की आवाज मेघर न्याय है, जैसे मेघ जैसे गरजता है ऐसे ही गर्जन करते हुए बोले, बोले लगता है तुम लोग हमारी डर से क्या परिचय दे रहे हो, धर्मराजा की दूत है, हमारे डर से बोल रहे हो धर्मराजा के दूत, तुम धर्मराजा के दूत नहीं तो प्रेत, तुम लोग प्रेत हो, कोई भूत पिशाच हो, इसलिए हम लोगों को पकड़ में तुम आ गए, अभी कहाँ जाओगे, अभी छोड़ने वाले हम नहीं, कोई भूत पिशाच तुम हैं। लेकिन उन लोगों ने बोले नहीं हम धर्मराजा का दूत, तब तो उन्होंने बोले अगर तुम धर्मराजा का दूत हो, बोलो धर्म का स्वरूप क्या है, दूत धर्मराजा का ना, बताओ धर्म का क्या स्वरूप है, बताओ दंड किसको किसको दी जाती है, हैं दंड का योग्य कौन है, कौन सा कर्म करने पर कैसे कैसे दंड भोगना पड़ता है, बताओ बताओ धर्मराजा का दूत हो, बोलो। जो उनने प्रश्न किया है ना, फिर कहते हैं क्या जानवर को भी दंड दी जाती है ना, कुछ इंसान के अंदर में कुछ को दंडनीय और कुछ को दंड नहीं दी जाते, बोलो। लेकिन जानवर का दंड नहीं होता है, जैसे जानवर कोई कर्म करता है ना उनका कोई दंड नहीं, जैसे एक शेर ने हिरण खा लिया पाप हुआ भी नहीं, लेकिन उसको कोई दंड होना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका आहार है। ये जो जो दंड है, जो कर्म बनता है इंसान का जीवन में कर्म बनता है, केवल ये इंसान जो करता है जो पाप और पुण्य केवल इसका ही दंड है और उन लोगों का कोई दंड नहीं। इसलिए उन्होंने प्रश्न की, जब प्रश्न की तब जमदूत उत्तर दे रहे हैं, बोले वेद प्रण ही तो धर्म या धर्म विपर्जय, इसको जो श्लोक है ना इसको सब नोट कर लेना, कहते वेद प्रणहित धर्म, कहते धर्म किसको कहते हैं, कहते वेद में हैं जो कर्तव्य बोल करके जो बताया गया वही धर्म है, और जितने सबके सब वही अधर्म है। लेकिन ये वेद प्रकट हुआ कहाँ से, कहते जो वेद है, कहते ये नारायण की श्वास से, ये वेद नारायण की श्वास से प्रकट हुआ। कहते तू कुछ नोट नहीं कर, तू कुछ बोलते नहीं, पूछते नहीं ना इसलिए कुछ बोलते, कल कल है ना, कल सवेरे तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो वेद वेद नारायण का श्वास है, और श्वास से ये वेद प्रकट हुआ है, भगवान की श्वास से ये वेद प्रकट हुआ है। कहते जो हम सब कर्म करते हैं इसका साखी कौन है, कहते दिन में सूर्य साखी है, ये सब कुछ देख रहे हैं हमको क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारे साखी रूप में ये सब के सब देख रहे हैं, हैं हम कहाँ इधर उधर बोलते हैं इधर उधर करते हैं,
चुगले निंदा उसकी बुराई करते हैं, ये सब सूर्य देख रहे हैं। कहते रात में कहते ये चंद्रमा देखते हैं, इसको उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते। फिर अग्नि, फिर ये आकाश, फिर ये वायु, ये देवता, चंद्र, देखो कौन कौन साखी है, दिवा, रात, जल, पृथ्वी है, ये सब के सब क्या है, कहते जीवन में हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं ये सब के सब साक्षी रूप में ये सब के सब देख रहे हैं। मतलब कोई कोई व्यक्ति सोचेगा हमको छुपा कर कुछ कर रहे हैं, छुपा करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर्म करते हैं कर्म के अनुरूप हमें फल भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए अगर कोई सोचे हम पाप कर्म छुपा कर कर रहे कुछ को तो पता नहीं चल रहा है, बोले नहीं, कहते सूर्य दिन में साखी, रात्रि में चंद्रमा साखी है। कहते जो जीव है कर्म किए बगैर कभी रह नहीं सकता, वो ना कुछ करेगा, खाएगा, बोलेगा, देखेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना कर्म। जीव कर्म कहते ना, जीव बगैर कर्म से एक सेकंड भी नहीं रह सकता। हम श्वास भी लेते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते, जो कुछ करते सब के सब ये कर्म है। कहते कर्मानुसार जीव है सुख और जो दुख है कर्म अनुसार जीव भोग करता है। तब उन्होंने बताया प्रमाण क्या है, देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं। कहते एक व्यक्ति एक जन्म को द्वारा हम तीन जन्म का कर्म को अनुमान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे? अगर धनी परिवार, अगर सौंदर्य को देख करके कहाँ से आया, इसलिए इसलिए कहते एक जन्म को द्वारा, ये कौन कह रहे हैं, ये जमदूत कह रहे हैं। कहते एक जन्म से हम तीन जन्म के अनुमान लगा सकते हैं। बोले कैसे अनुमान लगा सकते हैं, हमने जैसे जैसे कर्म किया ना, देखे ना हमारे वैसे वैसे घर में जन्म हमारी होता है। कोई व्यक्ति देखो एकदम जैसे अंबानी घर में कोई जन्म ले लिया, उसको पैसा कमाने का जरूरत है, और जन्म लेते ही उसको सारी संपत्ति का मालिक वही बन जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब कौन जन्म ग्रहण करेगा, कौन जन्म ग्रहण करेगा, हाँ, जो ऐसे पूर्व जन्म में इतने पुण्य किया होगा, इतने पुण्य किया होगा, उसके कर्म का अनुरूप कहा जन्म दे देगा, अंबानी घर में, टाटा बिरला घर में जन्म होते, बस जन्म होते ही हो गया, सारे पैसा का मालिक तो अपने आप हो गया है, अपने आप हो गया। इसलिए बोल रहे थे कोई एक संत था, लेकिन वो संत जैसे थोड़ी सी ये करने वाले, वो जैसे जगत का रिद्धि सिद्धि सब करने वाले संत था, उसको पास में एक व्यक्ति ने जा करके हैं वो आशीर्वाद करने से कभी किसी बेटा हो जाता था, तब उनको पास में गए एक बहुत धनवानी व्यक्ति गए, कहते हमारे घर में सारे धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन घर में कोई औलाद नहीं, बाबा थोड़ा कृपा कर दो। बोले तुम्हारे घर के लिए बच्चे ढूंढना बहुत कठिन होगा, साधारण बच्चे ढूंढना तो आसानी है, साधा किसी के घर में जन्म ले ले, लेकिन जो बहुत बड़े जो धनीवानी होगा उसको तो फिर वैसे पुण्यात्मा को ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे जो पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किया होगा उसको तो ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उसी घर में जन्म लेना लेगा ना, साधारण व्यक्ति तो जन्म नहीं ले सकते। और एक व्यक्ति देखना ऐसे परिवार में जन्म हुआ, जन्म से भूखे खाने के लिए कुछ है नहीं, क्यों, कारण क्या, एक इतने बड़े परिवार में, और किसी किसका देखना पत्नी बहुत मीठी होती है, बहुत मीठा स्वभाव है, बड़े पति की आज्ञा पालन करने वाले, पति को सेवा करने वाले, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ पत्नी होती हैं है, एकदम मिर्च मसला एकदम पूरा चंड जैसे पूरा पूरा तीखे है, ऐसे ऐसे बात करती है जैसे तो मिर्च लगता है शरीर में, ऐसे ऐसे पत्नी होती है, किस किस का बच्चा होता है, अब देखना इतने आज्ञा पालन करें, सवेरे जन्म होते ही पिता माता का चरण छूता है आज्ञा पालन, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं एकदम पिता माता के आदेश ही पालन नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग सुने हमको कहते ना, लगता है तू हमारे पूर्व जन्म का कोई शत्रु था, ये बात सही है, पूर्व जन्म का कोई शत्रु था, वो शत्रु ने बेटे रूप में घर में जन्म लिया। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है उसकी प्रतिफल लेने के लिए, उसको है उसको क्या बोलते हिंदी में, बदला लेने के लिए जन्म ग्रहण किया है, बोलते ना सुने होंगे, लगता है पूर्व जन्म में कोई शत्रु था, शत्रु घर में ये बेटा रूप में जन्म ले लिया है, शत्रु ही बेटा बन करके आ गया। इसलिए कहते यहाँ तीन जन्म का हम पता लगा सकते हैं। अब देखना ठीक कर्म के अनुरूप, एक पिता का पांच बच्चे हो, सबका नेचर अलग अलग, सबका नेचर अलग अलग, किसकी नेचर के साथ किसका नेचर नहीं मिलेगा, कोई बढ़िया पढ़ाई करता है, कोई एकदम अनपढ़ एकदम गवार है, कोई इतना पैसा कमाता है कहाँ रखेगा उसको
है, स्थान नहीं, और ऐसे गए वो अपना रोटी भी संग्रह नहीं कर पा, कारण क्या है? कारण है सबके सब पूर्व जन्म का कर्म का अनुरूप। इसलिए जमदूत कहते हैं तीन जन्म को पता लगा सकते हैं। इसी जीवन में जो देखने के लिए, जो देखने के लिए कोई बड़े सुंदर होते हैं और देखने के लिए कोई सुंदर होते नहीं, है कारण क्या है? है कारण क्या? ये पूर्व जन्म की सबके सब कर्म का फल है, सारे कर्म की फल, सारे कर्म की चक्कर है। इसलिए फिर इसी जीवन से पहले जीवन को तो पता चल गया, क्योंकि जैसे परिवार जैसे कर्म किया वैसे परिवार वैसे खानदान में जन्म लिया, पता चल गया पहले जीवन क्या कर्म की, फिर अगले जीवन क्या होगा पता अपने आप पता चल जाएगा। अगर बढ़िया कर्म करोगे बढ़िया जन्म में जाओगे, अगर कुकर्म करोगे कुकर्म में फल जाओगे। बोले एक स्टोरी सुन लो, गुरु जी सुनाया करते थे। बोले एक समय दो भाई काशी पढ़ने के लिए गए थे। जब काशी पढ़ने गए थे, अभी उन्होंने 25-25 साल तक काशी में सारे विद्या को, जगत में जितना विद्या था सारे विद्या को दोनों भाई पढ़ करके वापस आ रहे थे। आते समय उनको बीच में कहीं रुकना पड़ा। जब बीच में उनको रुकना पड़ा उसी समय में उन्होंने एक गांव के एक साइड में रुक गए, गांव के लास्ट में उन्हें रुक गए। जब रुक गए उसको ऊपर में एक गुरु और एक चेला रहते थे, उसको नीचे दोनों भाई रुक गए। जब रुक गए इतने में एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया और उसको घर को सामने होते हुए बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे बोलते बोलते एक व्यक्ति को ले गए। जब ले गए इतने में गुरु जी ने चेले को बोले बोले देख कर गया तो वो स्वर्ग गया ना नरक गया, और चला गया। थोड़ी देर बाद में गांव में घूम करके आ गया, बोले गुरुदेव वो स्वर्ग गया है। अभी वो जो दोनों भाई नीचे थे बोले उसको कैसे पता चला स्वर्ग चल गया? हम तो सोच रहे थे सारी विद्या को दोनों हम अध्ययन करके आए, लेकिन हमें पता नहीं चला वो स्वर्ग ना गया ना नरक गया, लेकिन थोड़ी देर घूम करके आ गए बोले स्वर्ग चला गया। थोड़ी देर बाद में फिर और एक व्यक्ति शरीर छोड़ा राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, फिर एक व्यक्ति को लेकर गए। जब लेकर गए इतने में गुरु जी ने पूछा चले गए देख कर क्या तो स्वर्ग गया नरक गया? वो फिर चला गया घूम घाम करके आया, बोले गुरुदेव ये नरक गया है। ये दोनों भाई तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया हम तो सोच रहे थे सारी विद्या हम ही पढ़ करके आए, लेकिन हमको पता नहीं चला ये कैसे थोड़ी देर बाद में पता दिया गुरु जी नरक गया स्वर्ग गया। अभी दोनों भाई की नींद नहीं आई रात भर, ये कैसे चक्कर है? सवेरे होते ही दोनों भाई गए गुरु जी के पास में, जा करके बोले आपको कैसे पता चला ये एक व्यक्ति स्वर्ग गया नरक गया, आपका चेला कैसे बोल करके उसको कैसे पता चला? हम तो सारी विद्या पढ़ करके हमें पता ही नहीं चला, गुरुदेव कृपा करके ये विद्या तो हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो सारी विद्या को पढ़ लिया। गुरु जी ने क्या थी साधारण सी बात, बोले साधारण क्या, रात भर नींद नहीं आई इस चिंतन करते करते बताओ। बोले जब चेले को भेजा गांव में पूरा घूम करके आया, देखा इसके विषय पर लोग क्या बोलते हैं। जो कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति मर जाए ना, लोग कहते देखो कितने अच्छे आदमी था, हर समय दूसरे को दुखी में दुखी सुख में सुखी, परोपकार करता था, दूसरों को कल्याण करता था, सबको मदद करता था, कितने सच्चा दिल की था, कितने अच्छा आदमी था। शरीर गांव के लोग बोलते ना जब शरीर छोड़ देते हैं, इससे पता चला भैया स्वर्ग में गया। लेकिन जो कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाते हैं कहते अच्छा हुआ दुष्ट मर गया, पूरा गांव को सता करके रखा था, पूरा गांव के ये परेशान करके पूरा गांव में रखा था, अच्छा हो गया मर गया है, अच्छा हो गया मर गया, सारे लोग उसको बुरा ही करते हैं, इससे पता चल गया वो कहाँ गया, सीधा नरक गया है। इसलिए उसको व्यवहार से ही पता चल जाती, इसलिए हमारी ऐसे व्यवहार करनी चाहिए। अगर भले ही किसकी भलाई नहीं कर सकते तो इसका कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, है। इसलिए कहती है तीन एक व्यक्ति तीन जन्मों को पता लगा लेगा हमारी कैसे कैसे क्या किया हमने कर्म किया है, हैं। तो उन्होंने बताया जानते हो ये ब्राह्मण कौन था? कहती है ब्राह्मण पहले बड़े शास्त्र ज्ञान संपन्न था, अजामिल बता रहे, जमदूत बता रहे, जमदूत उसका जीवन बता रहे, हम उसको लेने के लिए क्यों आए। कहती ये पहले बड़े शास्त्र ज्ञान था, बड़े सत स्वभाव के, सारे सदाचार संपन्न, इसके अंदर में व्रतनिष्ठ था, एवं उसका जो चित्त है बड़े कोमल चित्त था,
जितेंद्रिय था, बड़े सत्यवादी था और मंत्रज्ञ था, पवित्र था, गुरु अग्नि अतिथि ये सबको सबको ये सेवा करने वाला था और बड़ा निरहंकार था। इसके अंदर में कोई अहंकार नहीं, सर्वभूत में हितकारी, सुहृद, साधु, मितभाषी, असूया शून्य, मतलब ईर्ष्या शून्य। देखो इसके अंदर में कितना गुण, ये जमदूत तो कह रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में जितने सद्गुरु होनी चाहिए इसके अंदर में सारे सद्गुण संपन्न था। लेकिन एक समय क्या हुआ, ये पिताजी के आदेश में जंगल में उसने फल फूल और यज्ञ के लिए उन्होंने समित समित जैसे लकड़ी है, हवन सामग्री, कुश कुशासन होता ना कुश, इसको लेने के लिए कभी उसने जंगल में गया था। लेकिन लेकर के जब फिर रहा था, हठात उसने एक अद्भुतपूर्ण दृश्य देखा। बोले क्या देखा, बोले एक शूद्र और एक शूद्राणी ये दोनों शराब पी कर रखे और विवस्त्र होकर के आपस में ये मिल रहे हैं, लज्जा को छोड़ करके ये मिल रहे हैं। जब ये चीज को उसने देखा, देखते ही कहते काम को द्वारा उसने एकदम मदन को द्वारा काम को द्वारा एकदम मुक्त हो गया है, काम को द्वारा बसीभूत होकर मुक्त हो गया। सारे शास्त्र जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन जब वो दृश्य को उसने देखा है ना, अपना आंख को उसने वापस नहीं ला पाया। उसका जितने शास्त्र ज्ञान, उसका जो संजत सबके सब कोशिश किया इसको शास्त्र को द्वारा उसको दमन करने के लिए, लेकिन ये कोई सफलभूत नहीं है, सबके सब असफलभूत हो गया। और उसने ये एक बार देख करके इसने भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया। इसलिए देखो इसलिए अभी ये जो सिनेमा निकला ना, सिनेमा उल्टा पुल्टा, पहले जो सिनेमा आते थे सब धार्मिक सिनेमा आते थे, कोई उल्टा पुल्टा नहीं आता था। पर जैसे स्मार्टफोन निकल गया, फिर जितने गंदे चीज उसमें देख सकते हो, अभी इस बचपन में बच्चे इतना बिगड़ क्यों जाते हैं, इतने बिगड़ क्यों जाते, फिर डाइवर्स फाइबर से किसी लिए होता है, इस सब गंदी चीज की वजह से। कहते इसको अजया मिली जैसे व्यक्ति, अब बताया ना उसके अंदर में कितने सद्गुण था, सारे सद्गुण उसके अंदर में था, लेकिन एक बार उसने ये गंदी चीज को देखा तो उसका चित्त भ्रष्ट हो गया। सारे धर्म कर्म को उसने परित्याग करके वो फिर अपना पत्नी, कम उम्र की पत्नी ब्राह्मणी थी, उसको उसने त्याग दिया और ये शूद्राणी के साथ में रहना शुरू कर दिया, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध भोजन करना प्रारंभ कर दिया। एक बार अगर ये गलत चीज को देख लिया तो, अगर हम लोग कोई गलत चीज को देखे फिर चित्तों को कैसे संजत कैसे करेंगे, हैं भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं हाँ, कहते जो पिताजी ने जो धर्म अर्जन किया था उसको क्या किया, वो वेश्या की मनोरंजन करने के लिए सारे पैसा को उसमें लगा दिया और हर समय वो वेश्या थोड़ी दिखती में साथ सुंदर थी, उठी कटाक्ष उसको दो मीठी मीठी वाणी है, और उन्होंने पूरा उसको द्वारा एकदम लूट गया। उसने क्या किया, सतकुल ब्राह्मण सारे ब्राह्मण का धर्म को उसने परित्याग करके उसने असत उपाय के द्वारा अर्थ को उपार्जन करना शुरू कर दिया। क्यों, 10 बेटे हो गए ना, अभी देश बच्चों को पालन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा कहाँ से लाएगा, पर असत उपाय से अर्थोपार्जन करके अभी परिवार का भरण पोषण करते हैं और क्या करते हैं, उस शूद्राणी को हाथ में अमेध्य भोजन करते हैं। अशुद्धाचार्य बड़े अशुद्धाचार्य होकर दीर्घ काल को इसने ऐसे ही व्यतीत किया है। और उसने जैसे कोई पाप कर्म करे, लेकिन अगर जीवित रहते समय पाप कर्म का अगर कोई प्रायश्चित कर दे तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसने प्रायश्चित भी उसने किया नहीं, इसलिए हम इसको ले जाने के लिए आए। इसलिए इसको हम हाँ इसलिए उसको जब इसको कहाँ पर नरक में लेकर उसको दंड होगा, अभी प्रायश्चित सब के सब होगा। जो इतना बात बोले ना ये कथा को सुन करके है, कहती है जितने नीति शास्त्र पूछ लो विष्णु, लेकिन जो विष्णु दूत कौन है, कहते सारे धर्म को जानने वाले, सारे नीति शास्त्र को अच्छे तरह से जानने वाले। जब उसने ये सब कथा जमदूत को सुना तब वो देखो क्या क्या कह रहे हैं, बोले अहो क्या आश्चर्य की बात है, हैं इन लोगों ने जो बात बताया ना जिसको सुनकर कान में भी पीड़ा होने वाली,
कान को भी पीड़ा होने वाले हैं, ये कितने अन्याय की बात कर रहे हैं, हैं? कहते हैं धर्म दश साधु दिगर स्वभाव, कहते साधु अधर्म प्रवेश किया है, कहते साधु धर्म धर्म में धर्म सभा में ये अधर्म प्रवेश किया है, कहते ये जो अजा मिले हैं ये सबके सब सबके सब पाप से उसने संपूर्ण सारे पाप से शून्य हो गया हैं, लेकिन ये पाप शून्य व्यक्ति को ऊपर में ये फिर दंड देना चाहते हैं, हैं? कहते कहते श्रवण करो हैं, पालक तो साधु तो समदर्श तो कथा सुना जाए, कहते अरे श्रवण करो तुम्हारे देर हम सुना तुम्हारे तुम किसके दूत हो, धर्म महाराज के, इसे जम का ना एक नाम किया धर्म है, धर्मराज, धर्मराज मतलब क्या है, जो सही सही विचार करते हैं धर्म अधर्म को, जो सही सही विचार करते हैं ये धर्मराज है, इसलिए जो प्रजा को पालना करते हैं साधुत्व है, समदर्शित्व तो सुन हम सुनने को मिलता है, हैं सुनने को मिलता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जागरे, कहते श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसको जो पीछे जो व्यक्ति उसको देख करके उसको ही अनुसरण करता है, इसलिए यहाँ कर कह रहे हैं अगर कोई अबोध शिशु है, अबोध कोई छोटा बच्चा है, अगर अपना माँ की गोद में सर रख करके सो रहा है, नहीं तो अपना स्वामी की सर जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा है, हैं सो रहा है, इतने में क्या नियम किया उसको क्या करते, स्वामी बा माँ पिता माता की गोद में अगर सर रख कर सोता है क्या उनको रक्षा करते ना, बच्चों को रक्षा करते ना, पिता माता ना उसको गला काट देते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए विष्णु तो कहते हैं ये कहाँ है जो अजा मिली, ये वैष्णव है, ये तो अपना सर को उसने ठाकुर जी की गोद में सर देकर सोया हुआ, बोले क्यों, बोले अंतिम समय में जो भगवान का नाम लिया है, ठाकुर का नाम लिया अंतिम समय में, इसलिए कहते ये जो अजा मिली है, बोले एक जन्म का नहीं ये करोड़ों करोड़ों जन्म का जो प्रायश्चित उसने किया है, कहते उसने ऐसे काम किया करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप का उसने प्रायश्चित कर लिया, और उसने जो काम किया मोक्ष की उपाय है, उसने मुक्ति प्राप्ति का उपाय उन्होंने साधन किया, और सब कुछ परम मंगल उसने किया है, हैं? मंगल क्या किया, भगवान की नारायण का नाम को उसने उच्चारण किया है, तब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान का नाम में कितना शक्ति है, एक यहाँ पर एक श्लोक है, इस श्लोक को लिख लेना, दो चार श्लोक है, बोले नाम नो ही जावती शक्ति पाप निर्वहणी हरि, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकम नर, देखो इस श्लोक बहुत सुंदर श्लोक, इस श्लोक का ठीक है, कहते स्मृति में चैतन्य चरितामृत में इसका ठीक पयाल बनाया, कहते हैं जब तो पाप करे एक कृष्ण नाम, जब तो पाप हरे पापी रा साध्य नाही तत्व तो पाप कर, देखो कहते एक कृष्ण नाम को अगर कोई उच्चारण करते हैं, एक कृष्ण नाम है जब तो पाप हरे, एक कृष्ण नाम को द्वारा जितने पाप को हर सकता है, बोले पापी का हिम्मत नहीं वो उतना पाप कर सके, एक कृष्ण नाम में इतने पाप को ये नष्ट करता है, हैं? कहते भगवान का जो नाम है, बोले अवेसार नापी जन नामनी कीर्तते सर्व पात कई पुमान विमचत सद्य सिंह हस्त मृगरी, कहते हैं अबेसना भी जन्नाम तीर्थते सर्व पात गई, कहते अबे आप अबे अब अबसना भी अबस अवस्था में है, इसलिए कहीं अगर किसी विपत्ति में पड़ करके अगर हठात किसी ने अगर किसी कारण से भगवान का अगर नाम को ग्रहण किया तो क्या होगा, जैसे शेर दहाड़ने पर हाथी भाग जाती है, झुंड के झुंड हाथी वहाँ भाग जाती है, अगर भगवान का नाम किसी तरह से अवश्य मात्र में भी भगवान तुम्हारे नाम ले लिया तो क्या होगा, सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे, बोले सक्रीत उच्चारित जेन हरि रीति अक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्त्वेन मोक्षाय गचनम प्रति, या कहते हैं सक्रीत उच्चारित जेन, अगर एक बार भी भगवत का नाम हरि इति अक्षर द्वयम, हरि ये जो दो अक्षर अगर किसी तरह से
सकृत अगर उच्चारण हो जाए तो क्या होगा, कहते ये जीव सारे पाप से मुक्त होकर के बद परिकरस्ते न मुख्याय गमनम प्रति, कहते वो मोक्ष पद को वो व्यक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर विष्णु दूतों ने बहुत सारी उन्होंने ये जो श्लोक है ना, ये भागवत में नहीं मिल, ये टीका में श्लोक सब टीका में लिखा हुआ है, है? टीका में लिखा हुआ है। इसलिए इतने भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए फिर विष्णु दूत क्या उदाहरण देते हैं, फिर जमदूत क्या बोलते हैं, अब विष्णु दूत इसके क्या उत्तर देते हैं, कल हम उसको सुनेंगे। उनका अंदर जो आर्गुमेंट हुआ है बहुत अच्छी बात है।